हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएनबी के शेयर को चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कल काफ़ी बड़ा दिन रहने वाला है पीएनबी के लिए, क्योंकि दोस्तों कल पीएनबी के रिजल्ट जो है वो आपको आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। कैसे रिजल्ट आ सकते हैं और क्या होंगे कल के टारगेट, सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 मई 2023 ऑडिटेड रिजल्ट्स, डिविडेंड एंड AGM। तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट तो शानदार आने वाला ही है, प्लस कंपनी आपको डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिलेगी। डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है अनाउंसमेंट है, कंपनी आपको शायद डिविडेंड भी दे सकती है। एंड आखिरी बार अगर डिविडेंड की बात करें तो लास्ट टाइम दोस्तों जून में कंपनी ने 0.64 का डिविडेंड दिया था, एंड डेफिनेटली उसके बाद अब कंपनी आपको डिविडेंड देती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर अपन बात करें कंपनी के Q4 रिजल्ट्स प्रीव्यू की, तो यहां पर आप देख सकते हैं PSU बैंक्स प्रॉफिट लाइकली टू सोर 9x ऑन डबल डिजिट लोन ग्रोथ। तो यहां पर डेफिनेटली दोस्तों कहा गया है कि कंपनी अच्छे रिजल्ट्स आपको पेश करती हुई देखने को मिलेगी। कल कंपनी के रिजल्ट्स आउट होंगे और प्रॉफिट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू जी बिजनेस रिसर्च PNB इज लाइकली टू रिपोर्ट अ स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1800 करोड़। तो दोस्तों 1800 करोड़ का कंपनी आपको प्रॉफिट लाती हुई देखने को मिल सकती है, ऐसा दोस्तों पीएनबी पर जी बिजनेस की रिसर्च कहती हुई देखने को मिलती है। और डेफिनेटली जिस हिसाब से दोस्तों आज SBI का प्रॉफिट आया है, डेफिनेटली दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि दोस्तों पीएनबी भी आपको शानदार रिजल्ट्स पेश करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर अब दोस्तों बात करें ब्रोकिंग हाउसेस की, तो यहाँ पर एलारा कैपिटल्स की तरफ से दोस्तों सेल कॉल आता हुआ देखने को मिला है, लेकिन शेयर खान की तरफ से दोस्तों बाय रेटिंग दी गई है और लगभग 64 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है। ऑलमोस्ट 40% पोटेंशियल अपसाइड शेयर खान के द्वारा इस स्टॉक में दी गई है। एंड अगर अपन आज की बात करें दोस्तों, आज की गिरावट का कारण कहीं ना कहीं FNO बैन था। लगभग आई थिंक 4 से 5 सेशन हो गए, काउंटर अभी भी FNO बैन में ट्रेड कर रहा है, और इस FNO बैन के चलते आप यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 2.5% का फॉल आपको PNB के शेयर में आता हुआ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली गिरावट ये FNO बैन के कारण हो रही है, और आई थिंक सो कल अगर मान लीजिए स्टॉक FNO बैन से बाहर आता है तो जरूर दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक में आपको एक अच्छा अपटिक देखने को मिले। प्लस दोस्तों कल कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कंपनी अच्छा डिविडेंड पेश करते, डेफिनेटली चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक में आपको 3-4% का अपटिक जरूर बनता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें दोस्तों और भी न्यूज़ की, तो यहां पर दोस्तों PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी अपने रिजल्ट्स पेश किए, 65% जंप आया है दोस्तों के Q4 प्रॉफिट में। तो डेफिनेटली दोस्तों PNB का एक और सब्सिडियरी आपको अच्छे रिजल्ट्स पेश करती हुई देखने को मिली है। एंड अगर आप बात करें कंपनी के 52 हफ्तों के हाई की, तो दोस्तों 21% ये काउंटर अभी भी करेक्शन पर ट्रेड कर रहा है अपने 52 हफ्तों के हाई से, और आज दोस्तों स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिली है। तो कल डेफिनेटली काफी हाई चांसेस स्टॉक में कि वापस से लॉन्ग बिल्डअप होगा और लोग खरीदारी करते हुए देखने को मिलेंगे। 9 ब्लॉक डील दोस्तों आज ये काउंटर पेश करता हुआ देखने को मिला है। एंड अगर आप इस स्टॉक के रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजरली दोस्तों यहां पर ₹50 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल, अगर ₹50 के लेवल के ऊपर ये शेयर टिक जाता है तो अगेन दोस्तों 52 से ₹54 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है, इस स्टॉक में आप 46 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड हायर साइड पर अगर ₹48 का, अगर हायर साइड पर दोस्तों ₹50 का लेवल ये शेयर तोड़ता है तो डेफिनेटली एक अपटेक इस काउंटर में बन सकता है, और उसके बाद मिनिमम टारगेट जो है वो लगभग 52 से 54 के ये काउंटर पेश करके दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्टॉक के एंट्री चार्ट पर, कल के लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टॉक के चार्ट्स पर आ गया हूँ, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों स्टॉक ने तेजी करना शुरू करी थी 48 रुपये के जोन से, फिर स्टॉक ने गिरावट करी, वापस 48 के जोन पर आ गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 48 रुपये का एक अहम सपोर्ट स्टॉक में हमेशा रहता हुआ देखने को मिला है, और हमेशा इस स्टॉक से स्टॉक ने रिकवरी करी है। लास्टली भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले भी दोस्तों ये देखिए ये लेवल था, फिर तेजी करी, फिर गिरावट करी, फिर तेजी करी, फिर अभी इस लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 48 रुपये का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में बन रहा है, और अगर मान लीजिए कल कंपनी रिजल्ट अच्छे पेश करती है, डिविडेंड अच्छा देती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो पहले कैंडल बनी थी रेड, यहाँ से वापस से ये स्टॉक वी शेप रिकवरी दे। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक में, कल अगर 50 रुपए के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आ गई तो विद इन 1 वीक और 2 वीक डेफिनेटली 55 से 60 तक के भी जोन्स आपको इस काउंटर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो कल मेरी यही सलाह है कि वेट करेंगे, थोड़ा रिजल्ट्स आएंगे तो थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है काउंटर। तो कल के दिन मेरी यही सलाह है कि इस काउंटर में कोई इंट्राडे में आप खरीदारी ना करें। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।